वाह भाईजान, आप पुरुष नहीं महापुरुष हैं। क्या भाई, आपकी जो प्रेजेंस ही काफी है मेरा पत्ता साफ करने के लिए। वैसे भाई बड़ी खुश हो रही थी आपको देख के, नंबर लेकर आऊं क्या? दिमाग खराब है तुम्हारा? भाई मुझे भी तो भाभी चाहिए और सेटिंग करनी पड़ती है। आप ही रुको, मैं अभी इसका नंबर लेकर आता हूँ। स्ट्रॉन्ग हो रहा भाई एकदम। भाई इतनी सारी लड़कियां आप पे मरती है और आप पलट कर ही नहीं देखते। तुम नहीं समझोगे? क्यों नहीं समझूंगा? आप बोलो, मैं सिर्फ आपकी बात सुनूंगा। पूरे लाल दुपट्टे से सुनूंगा। मेरा मतलब ठान से सुनूंगा। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ तुम्हें घर पे बर्दाश्त कैसे करते हैं। अब मैं बोलूंगी तो बोलेंगे कि बोलती है। अरे हमारे नाना ने सारी बेटियों के लिए किलो के हिसाब से जेवर बना के रखे थे। हाँ अल्लाह कसम, हमारी अम्मी, उनके पास तो 40 किलो का लहंगा था चांदी का। अपनी अम्मा को साथ में लेकर तोला था क्या? कृष्णा भाभी जान, जरा कबाब चिक्की देखी कैसा बना है। हाय हम तो थक गए। एक से क्या पता चलेगा, 4-5 लेके आ। हुमेरा तू रुक। नुज़रत बेटा, कभी कभी कुछ काम भी कर लिया करो। जाओ कबाब लेके आ जाओ। बड़े अच्छे बनाए तुमने तो। भाभी देखी ना, मेहंदी लगाने का वक्त ही नहीं मिला। ए लड़कियों, सब कान खोल के सुन लो। लड़के वालों के आने से पहले कुछ खाना नहीं तुम लोग? हाँ हूँ मेरा, जा जरा फोन तो लगा। अरे देख ना ये दोनों अभी तक आए क्यों नहीं। भाई वो फैजल घाट है ना, नई बाइक लेकर आया। अब मेरी वाली से तेज है, बड़ी शेखी बगाड़ रहा था कि मेरे बड़े भाई ने दिलाया है। मुझे क्यों बता रहे? ऐसी आप तो जानते ना अब्बू को, मेरे ऊपर अगर पैसे खर्च करने की बात आए बस जान निकल जाती है उनकी। कभी कभी ऐसा लगता है इस भरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है। ये हवेली, ये बाइक, ये मोबाइल, ये नौकर चाकर सब गरीबी की लामत है। बहुत बहुत गरीब हूं मैं। अगले 2 दिन में मशरूफ हूं भाई। मंडे तक भी मिलेगा तो चलेगा ना? फैजल घाट से मैं ट्यूजडे को मिल लूंगा। भाई का दिल दरिया काश समुंदर है। वैसे भाई मुझे अभी आपके सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। सलामुअलैकुम। क्या बदतमीजी भाईजान, तहजीब कहते हैं इसे, और सलाम करना तो सुन्नत होती है। वो जवाब देना दे उनकी मर्जी, हम क्यों किसी का गुनाह अपने सर पे ले। भाई आपका मन नहीं करता क्या ऐसे किसी को सलाम करने को? वैसे भाई आपकी लाइफ में कैसी लड़की आएगी? मेरे और आपकी चॉइस तो काफी मिलती है। अल्लाह करे लड़की के मामले में लगो। मुझे तो हमेशा लगता है भाईजान कि मेरे आपके पीछे एक लड़की आएगी। बेटा अंदर चले। जी भाई।
भाईजान उसे इस तरफ आते हुए देखा है? चलो उस तरफ देखते हैं। खूबसूरत कयामत पता नहीं कहां चली गई। अरे जाएगी कहां, इधर ही होगी। उसने काले रंग का दुपट्टा ओढ़े हुए है।
उधर ढूंढो, मैं इधर ढूंढता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वो हुमेरा के अब्बू ने जिस लड़के को भेजा था आपको लाने, उसी के पीछे आ रहे हैं ना आप? नहीं, कमबख्त वो इनके पीछे आ रहा है। ओहो, अरे मुई गाड़ी खराब हो गई उसकी, इनकी गाड़ी के पीछे बंधी हुई है। हाँ जी जी, वो ढाई सीढ़ी की मस्जिद, उसके तो आगे आ गए होंगे ना आप जी? बस उसी नीले रंग वाली पीली कोठी के आगे मोती मस्जिद है, बस वही हुमेरा के अब्बू का नाम ले लीजिएगा आप जी। बड़ा नाम है हमारा इस इलाके में, अल्लाह के फजल से हुमेरा के अब्बू ने बहुत नाम कमाया है जी। खुदा हाफिज। लड़के के चचा का फोन था, इंदौर के बहुत बड़े सरकारी वकील हैं। अरे बड़े से बड़ा केस यूं मिनटों में सुलझा देते हैं। लेकिन रास्ता समझने में आधा घंटा लगा देते हैं। दाई बाई की तो समझ ही नहीं है उन्हें, अब कहीं लड़का अपने चाचा पर ना गया हो। अब रहने भी दीजिए अम्मी, हमारी लड़की के ससुराल में सभी बहुत पढ़े लिखे हैं, डबल एम ए है लड़का। क्यों, एक बार जो पढ़ाया समझ नहीं आया, जो सेम क्लास दूसरी बार रिपीट करी। ओहो, तो क्या सचमुच फेल हो गए थे? अरे नहीं शीरी, लाखों में एक है लड़का। हमारी लड़की के ससुराल से करा है रिश्ता, हीरा है हीरा। अरे आने दो तुम्हारे हीरा लाल को, एक नजर में पता चल जाएगा हीरा है या कांच का टुकड़ा। अरे अम्मी जान, पहले देख तो लो, उसके बाद बात करेंगे कि कौन क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, मस्जिद पर पहुंच गए आप? हाँ, तो बस अब किसी से भी इनका नाम लेकर पूछ लीजिए। अम्मी अम्मी के भाई। हाँ एक मिनट। हेलो, हाँ स्टेट बैंक का रास्ता बता दीजिए, उसके सामने वाला घर हमारा है। ठीक है। फोन कर जरा, कहाँ रह गए ये दोनों, अभी तक नहीं आए। अम्मी दोनों के नंबर बिजी आ रहे, अयान को फिर से ट्राई करूं? करना। जी जी भाई। नौसद मियां, कहाँ गायब हो गया बीच में से? भाई वो एक जरूरी जरूरी काम याद आ गया था। आपके सब जरूरी काम जानता हूँ मैं। नहीं नहीं भाई, आप गलत समझ रहे हैं, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। भाई आप घर जाइए, मेरे पास बाइक है, वो भी फैजल गार्ड की बाइक से घटिया वाली। याद याद, नई बाइक आ जाएगी। अच्छा सुनो, संभल कर जा। आप भी भाईजान, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बॉसियत भाई, वो देखो ऐसे दुपट्टा है लड़की के पास। था तो, लेकिन इसके पास कहां से आया? ए! लेडीज कहां है बे? कौन सी लेडीज खान? वही लेडीज जिसका दुपट्टा तू हाथ में लेकर घूम रहा है, कहां है? हेलो, उसके लिए पहले से इतनी वेटिंग है? अरे खान मामू, मुझे क्या मालूम लड़की कहां गई, जहां जाना था वहां गई।
यू ओके? क्या? जी? आपने इतनी कोशिश की मारने की, मैं फिर भी बच गई। सॉरी। आपको गाड़ी चलाने की तमीज नहीं है तो गाड़ी क्यों चलाते हैं आप? आपको सड़क पर चलने की तमीज नहीं है तो घर पर क्यों नहीं रहती हैं? आपको बात करने की तमीज नहीं है तो खामोश क्यों नहीं रहते आप? मुझसे आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं की। तभी आप इतने बदतमीज हैं। आप मेरी बात सुनिए, बहुत ही पेपर स्प्रे, काली मिर्ची का स्प्रे रखना पड़ता लड़कियों को अपनी हिफाजत के लिए। I was better off in New York. New York में ठीक थी मैं। ये जगह ही ऐसी जो भी लड़कियों को देखता बस घूरता ही रहता है। लड़कियां अपनी प्रोटेक्शन करो तो कैसे करो? अगर लड़कियां अपनी नजरें नीचे रखकर चलें, तो उन्हें और किसी की हिफाजत की जरूरत नहीं पड़ेगी। और घर से ऐसे तमाशा बन के निकलेंगे तो सब वैसे ही देखेंगे। एक्सक्यूज मी, आप जैसे लोग सारी रिस्ट्रिक्शंस लड़कियों पर ही क्यों लगाते हो? अगर इसे प्रोटेक्शन की जरूरत है तो जरूर यही कुछ करती होगी। अगर इसके साथ कुछ गलत हुआ है तो जरूर इसी ने कुछ किया होगा। इस कंट्री में सारी रिस्ट्रिक्शंस लड़कियों पर ही क्यों है? Don't dress up. ये मत करो, सजो मत, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। अल्लाह मियाँ, what's wrong with this country? जिसे आप पाबंदी कह रहे हैं, उसे हम तहजीब कहते हैं। नुमाइश पश्चिम की अदा, शर्म पूरब का गहना। इस मुल्क में औरतें इसी गहने से सजती। बहरहाल आपके निकाह के रोज में आपसे बहस नहीं करना चाहता। आज निकाह नहीं है मेरा। अब आप ये जजमेंटल लुक देना बंद कीजिए। यहाँ पर जिसे देखो जजमेंट पास करने पे तुला रहता है। अगर आपको इस मुल्क से इतनी प्रॉब्लम है, तो आप इस न्यूयॉर्क क्यों नहीं चले जाते? अल्लाह मियाँ, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आप ट्रैफिक पुलिस हैं जो लोगों को ये बताएंगे उन्हें कहाँ आना है, कहाँ जाना है? एंड वैसे मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ रहने का। एक निहायत जरूरी काम से आई हूँ, होते ही चली जाऊंगी। बड़ा एहसान होगा आपका इस मुल्क पर।
ओहो, हम तो परेशान हो गए। आज सुबह से हमारी दाई आंख फड़क रही है अम्मी। लगता है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। अल्लाह ना करे। अब चुप भी करो शेरी। अरे कुछ गलत नहीं होगा, आज कुछ भी बुरा नहीं होगा। हमारी बेटी के ससुराल से रिश्ता आ रहा है, अरे कुछ बुरा हो कैसे सकता है? देख लेना तुम, निखत को देखते ही हाँ कह देंगे वो लोग। आज तो जो भी खबर आएगी अच्छी आएगी। हेलो, कहाँ हैं आप अयान? भाई, भाई आंखें खोलो ना भाई। भाई आंखें खोलो ना भाई। भाई, भाई आंखें खोलिए ना भाई। डॉक्टर भाई आंखें क्यों नहीं खोल रहे डॉक्टर? सब मेरी वजह से हुआ है ना, मैं उन्हें फोन करता ना वो आते। रिलैक्स मिस्टर खान, रिलैक्स। आपके भाई को कुछ नहीं हुआ है, फिलहाल एनेस्थेसिया के कारण बेहोश है, थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा। ओके, गुड। मिस्टर खान, ये मेडिसिन हमारी फार्मेसी में नहीं है, अगर आप प्लीज इन्हें ले आए। पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। सत्रह साल बाद अबू उन लोगों से मिलेंगे। 17 साल? अम्मी कैसे मिलेंगे उन लोगों से? पर पुप्पी क्यों गई उनके साथ? अम्मी अबू के साथ जाना चाहती थी, पर वहां तो असद भाई की अम्मी भी होंगी ना। कितना अजीब है ना ये सब। मैंने तो आज तक असद भाई की अम्मी को देखा तक नहीं। नजमा को कॉलेज में देखा है ना? वो उनसे बहुत मिलती है। जख्म बहुत जल्दी भर जाएंगे। मेरे जख्म इतनी जल्दी नहीं भरते।